दंतेवाड़ा के बादली में नक्सलियों द्वारा लगाई गई प्रेशर आईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया। शहीद जवान का नाम रोशन कुमार है और वह नवादा जिले के रहने वाले थे। घटना दंतेवाड़ा के सापधार मालेवही कैंप के पास की है। सुबह करीब 6 बजे के आसपास सीआरपीएफ के जवानों की एक टुकड़ी गोधी के जंगलों में गश्त कर लौट रही थी। उसी वक्त धमाका हुआ। नक्सलियों ने सीआरपीएफ के पुष्पाल कैंप से 700 मीटर दूर पत्थरों के नीचे प्रेशर आईडी लगा रखी थी, जिस पर तस्तीन से लौट रहे सीआरपीएफ के जवान रोशन कुमार का पैर पड़ गया और ब्लास्ट में जवान की मौके पर ही मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि ब्लास्ट की चपेट में सीआरपीएफ के 4 जवान आए थे। सीआरपीएफ का गश्ती दल देर रात 12:45 बजे तलाशी अभियान पर निकला था और सुबह 6:15 बजे वापस लौट रहे थे। शहीद जवान को पोस्टमार्टम के बाद पुलिस लाइन कार्ली में श्रद्धांजलि दी जाएगी।